हेलो जी, वेलकम टू जयस्वीज किचन। आई बिलीव इन होम मेड फूड इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज इट इज़ हाइजेनिक, हेल्दी, फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। हैप्पी होली 2023 टू ऑल माई लवली व्यूअर्स। तो चलिए, होली का स्पेशल जो पकवान है ना, गुजिया, वो बनाना शुरू करते हैं। ये 1.5 कप मैदा लिया है मैंने, और उसी कप से नाप के 1/3 कप देसी घी को मैंने हल्का गर्म करके ऐड कर दिया है, और 1 पिंच सॉल्ट की ऐड कर दी है, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद फिर हम दोनों हाथों में मसल मसल के अच्छी तरह से ये जो हमने मोइन डाला है ना, उसको मिक्स करेंगे। ऐसा करने से गुजिया बहुत ही खस्ता बनती है और इसका क्रम्बली सा टेक्सचर आ जाता है, और बहुत ही अच्छा खस्ता गुजिया बन के हमारी रेडी होती है। तो ऐसे जब हम हाथ में पकड़ के इसको होल्ड करते हैं ना, तो जैसे मुठिया बन जाती है, मतलब वो शेप को होल्ड कर लेती है, तो इसका मतलब मोइन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसको एक सख्त सा डो लगा लेंगे, इसको मसलते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम ऐड कर लेंगे तो ये आटा पतला हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। सख्त सा डो लगा के फिर हम इसको आधा घंटे के लिए हल्के गीले कपड़े के साथ कवर करके रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आटा हमारा बहुत अच्छा स्मूथ बन के रेडी हो जाता है, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कोई भी कटोरी या कप मैदे के लिए सेट कर लीजिए, और उसका चौथा हिस्सा मोइन ऐड कीजिए, तो ये बहुत ही एक्यूरेट रेशो रहता है। ये जो होली का त्यौहार है ना, ये रंगों का त्यौहार है, इसमें खूब सारे अच्छे बहुत ही टेस्टी से पकवान बनते हैं। तो ये जो गुजिया है वो ट्रेडिशनली बनती बनती है होली के त्यौहार पर। तो देखिए जी, सख्त सा डो हमने रेडी कर लिया, उसको हल्के गीले कपड़े के साथ कवर कर लेते हैं। इतना डो लगाने में हमें 1/2 कप पानी यूज़ हुआ है। तो चलिए अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन मैंने ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करके मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन टुकड़ा काजू ऐड किए हैं, और फिर मैंने 10-12 बादाम को कतरने बना ली, उनको भी ऐड कर दिया, और फिर लाइट फ्लेम पे, बहुत ही लो फ्लेम पे इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया जब तक कि ये लाइट पिंक हो गए हैं। तो बस उनको निकाल के अब हम उसी घी में 1/2 कप सूजी, जो फाइन वाली है, बारीक वाली है, उसको ऐड कर देते हैं, और इसको लाइट पिंक होने तक और अच्छी खुशबू आने तक हम भून लेते हैं। बिल्कुल फ्लेम लो रखेंगे और बस हल्का सा भून के इसको एक बोल में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसी पैन में मैंने 1/2 से 1/2 कप ग्रेट करके कोकोनट लिया है, और उतना ही मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो बाज़ार वाला है वो लिया है। वैसे ग्रेटेड कोकोनट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने दोनों तरह के ही ऐड किए हैं, और ड्राई रोस्ट कर लेंगे इनको, बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, तो उसको भी बोल में ऐड कर लेते हैं, और जो हमने नट्स अभी रोस्ट करके रखे हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने बिना रोस्ट करे किशमिश ऐड कर दी है। तो चलिए अब मावा बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1/2 कप दूध ऐड किया है, कोई सा भी दूध जो आपके घर में आता है, उबला है या रॉ है, कोई भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने उसी कप से नाप के 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। तो ये 5 मिनट भी नहीं लगते, खोआ बन के इंस्टेंटली रेडी हो जाता है। कई बार त्योहारों पर खोआ बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता, तो अब हम घर पे बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, और हमें पता भी होता है हमने इसमें क्या ऐड किया है, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, तो ये खोआ हमारा, ये देखिए, रोल होने लगा है पैन में, तो बन गया है इसका मतलब। और हमने गैस बंद कर दी है, इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम बाकी सारी जो स्टफिंग हमने रेडी करके रखी उसमें ऐड कर देते हैं। और फिर हम ऐड कर देते हैं, कुछ भी मीठा ऐड कर लेंगे, उसमें बूरा खांड ऐड करिए, या फिर मिश्री ऐड करिए पीस के, या फिर गुड़ का पाउडर ऐड कर लीजिए, या फिर पाउडर करके चीनी को ही ऐड कर लीजिए। तो मैंने 4 बड़े चम्मच ये बूरा खांड ऐड करी है, और बहुत ही टेस्टी ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम डो को भी देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही जल्दी, ये 2 मिनट लगते हैं, इसको फिर से मसल लेते हैं, तो ये बहुत ही स्मूथ सा डो बन के हमारा रेडी हो जाता है। तो बस इसके हम इक्वल छोटे छोटे पोर्शन कट कर लेंगे, जिसके साथ हम लोइयां बनाएंगे, और फिर हम उसको बेल के छोटी छोटी चपातियों में हम स्टफिंग फिल कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा डो बन के रेडी हो गया है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसमें ऐसे कर लेने से।
थोड़ा सा दबा के जब हम इसकी लोई बनाते हैं तो इसमें जो हवा होती है ना वो निकल जाती है, और बहुत ही अच्छा सा डो क्रैकलेस बन के हमारा रेडी हो जाता है। फिर हमें बेलने से या फिर जब हम इसको फोल्ड करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं तो क्रैक्स नहीं आते। तो ये देखिए 1.5 कप मैदे के साथ हमारी 14 लोइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब हम इनको फिर से एक हल्के गीले कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे ताकि इनकी ऊपरी परत सूखे ना। तो चलिए अब हम गुजिया बना लेते हैं। चकले के ऊपर हल्का सा तेल या फिर देसी घी लगा लीजिए और पेड़ा रखिए, और फिर उसको हल्का सा प्रेशर देते हुए बेलते जाइए, उठाते जाइए और बेलते जाइए। ऐसे करके जब हम एक राउंड शेप बना लेंगे, ना तो बहुत मोटी ना तो बहुत पतली बनाएंगे, क्योंकि बहुत पतली बनाएंगे तो ये जो स्टफिंग है इसमें जो हम फिल करते हैं वो निकल जाएगी तेल में, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो टूट जाएंगी। अगर बहुत ही मोटी रखेंगे तो वो खस्ता नहीं बनेगी, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और पहली जो गुजिया है मैं मोल्ड के साथ बना रही हूँ, मोल्ड के हिसाब से साइज़ के हिसाब से आप वो चपाती को बेलिएगा और फिर मोल्ड के ऊपर रख के उसमें स्टफिंग एक साइड पे रख के किनारे किनारे पे पानी लगाएंगे हम, ताकि किनारों को हम अच्छे से सील कर पाएँ। किनारों से स्टफिंग को थोड़ा सा दूर रखेंगे और फिर हाफ सर्कल के ऊपर ऐसे पानी लगाएंगे और फिर प्रेशर देते हुए किनारों को बंद कर देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाएं, स्टफिंग निकले ना इनमें से, और जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे डिज़ाइन वाली, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाली हमारी गुजिया बन के रेडी हो गई है। ईजी मेथड है, बहुत ही जल्दी गुजिया बन के रेडी हो जाती है। लेकिन हाँ, जो एक्स्ट्रा डो होता है ना उसको फिर से हमें लोई बनाना पड़ता है, फिर से हमें बेलना पड़ता है, ये थोड़ा काम हो जाता है, लेकिन बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो जिनको हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है वो उनके लिए ये बहुत ईजी मेथड है। तो ये दूसरा जो बना रही हूँ मैं, इसको भी ऐसे लोई को बेल लेंगे, थोड़ी सी स्टफिंग फिल करेंगे, स्टफिंग को बहुत ज़्यादा ना फिल करिएगा, किनारों से थोड़ा सा स्टफिंग को दूर रखेंगे और हाफ सर्कल पे फिर पानी अप्लाई करेंगे, फोल्ड कर देंगे उसको और साइड साइड पे ऐसे दबा देंगे अच्छी तरह से, ताकि किनारे अच्छे से सील हो जाएं, उसमें से स्टफिंग निकले ना। अब हम बनाएंगे डिज़ाइन फोक के साथ। तो ऐसे फोक को थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए उसके साथ डिज़ाइन बनाते जाइए। ऐसे भी ये गुजिया खुलती नहीं है, एक तो सील हो जाती है और दूसरा ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है, कितना इजी है ना। तो 2 डिज़ाइन की गुजिया हमारी बन गई है, 1 रह गई है जो ट्रेडिशनल बनाते हैं हलवाई लोग, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। अब हम लोई को फिर से बेल लिया मैंने, स्टफिंग रखेंगे उसमें, फिर से वैसे ही हाफ सर्कल पर पानी लगा के उसको फोल्ड कर देंगे, किनारों को सील कर लेंगे, ठीक है जी। स्टफिंग रखते वक्त बस ये ध्यान रखेंगे कि किनारों से थोड़ा दूर रहे, नहीं तो किनारे अच्छे से सील नहीं हो पाएंगे। दबा दीजिए अच्छे से किनारों को और फिर देखिए ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं हलवाई लोग। एक सिरे से पकड़ के डायगनली उसको फोल्ड करिए, फिर दोबारा से फिर से फोल्ड करिए, डायगनली आप फोल्ड करते जाएंगे तो ये बहुत अच्छी सी एक डिज़ाइन बन जाती है। बस दबाते जाइए, फोल्ड करते जाइए, लेकिन तिरछा फोल्ड करिएगा, फिर बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है। तो होली के लिए जो ये स्पेशल पकवान है गुजिया, इस बार ऐसे बनाइएगा। 3 तरह के डिज़ाइन मैंने इसमें बताए हैं, जो आपको इजी लगे वो फॉलो कर लीजिएगा। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है, ठीक है जी। ऐसे ही सारी गुजिया हम बना लेंगे। तो इतनी स्टफिंग के साथ, ये आधी स्टफिंग मेरी लगी है, आधी स्टफिंग अभी बच गई है, मतलब 1.5 कप मैदे के लिए इससे आधी स्टफिंग सफिशियंट है। इतनी स्टफिंग के साथ आप 500 ग्राम के साथ बना सकते हो गुजिया, खूब सारी बन जाएंगी, मतलब आपकी 28-29 गुजिया एकदम रेडी हो जाएंगी। अगर छोटे साइज़ की बनाओगे तो 30 तक बन जाएंगी आराम से। तो बस तेल को मीडियम हॉट करिए और फिर इनको फ्राई कर लीजिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तेल को जब हम चेक करते हैं तो पहले एक गुजिया डाल के देखिए, अगर तो वो अच्छे से एकदम उसके ऊपर फफोले से नहीं बनते हैं और अच्छे से कुक होती है, मतलब एकदम से जलती नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल एकदम सफिशेंटली हॉट है। तो सारी गुजिया ऐसे थोड़ी थोड़ी करके डालते जाइए, उनको साइड चेंज कर करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। और फिर से हम दूसरा बैच ऐड कर रहे हैं।
ऐसे ही हम सारी गुजिया अपनी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता गुजिया बनके हमारी रेडी हुई है। अगर आप चाशनी वाली गुजिया पसंद करते हैं तो एक कप चीनी में आधा कप पानी डाल के एक तार की चाशनी बना लीजिए और फिर गुजिया को ठंडा करके उसमें डिप कर दीजिए, तो आपकी चाशनी वाली गुजिया रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत सी गुजिया बनके रेडी हो गई। जरा सा इनको और खूबसूरत बना लेते हैं चांदी के वर्क के साथ। चाहे तो आप थोड़े से केसर के धागे एक चम्मच पानी में भिगो के रख दीजिए और फिर उंगली के साथ एक एक डॉट लगाइए और बीच में ड्राई फ्रूट्स लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो ऐसे आप होली सेलिब्रेट कीजिए इन गुजिया के साथ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही उम्दा बनी है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।